Hello everyone, welcome to all students on my YouTube channel My Online Maths and myself Kamdo Singh. और दोस्तों मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बिकॉज ऑनलाइन मैथ्स ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। आपको पता है हमारा टॉपिक 9th क्लास का चल रहा है, नंबर सिस्टम, इस पर हमारी ऑलरेडी 4 वीडियोस भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप ने वो अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से आपका डाउट था एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 में, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन का आपको मीनिंग क्या कह रहे हैं वो आपको बता दूं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2πr, आपको ये याद भी होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक सर्कल है, उसका रेडियस हमारे पास r है, ठीक है, तो उसका 2r मीन्स क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, उसको नेम दे दिया इन्होंने d, डायमीटर से d, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर्कमफ्रेंस को ने नेम दिया c, ठीक है। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू एक नंबर होगा कांस्टेंट, ठीक है, एंड जो डायमीटर है वो भी हमारा एक कांस्टेंट नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि c इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस को c मान लिया, और ये देखिए 2 × r क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया d इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू ये बोल रहे हैं कि c बाय d बन चुकी है, मींस ये हमारे पास p बाय q की फॉर्म में हो चुकी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पाई जो नंबर है, मैंने आपको बताया था कौन सा नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, इसके बारे में हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस भी हम करके आए हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि पाई है जो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है और आप इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.14159265 एंड सो ऑन। इसकी अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखने बैठ जाओ ना तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, ना ही रिपीट होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो ये लिखते हैं 22/7, ये हमारे पास जस्ट इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जो 22/7 है, दिस इज ओनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पाई को c बाई डी में लिख सकते हैं, मींस सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो में लिख सकते हैं, तो ये नंबर कौन सी फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। तो क्या ये पाई को इरेशनल होने से नहीं रोक रहा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन बन रही है कि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे रीसॉल्व करेंगे, ये पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये सर्कल का रेडियस मेजर किया है, ठीक है, वो आप या तो स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या आपके पास एक टेप होती है, ठीक है, उससे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपके पास स्केल और टेप पे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास स्केल है, ठीक है, स्केल पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, क्या हमारे पास 1.23469 एंड सो ऑन सेंटीमीटर, क्या ये मेंशन होता है, नहीं होता ना, ठीक है। इट मींस जो स्केल है या आपकी टेप है, ठीक है, वो आपको जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही बता रही है, किसकी, आपकी मेजरमेंट की, ठीक है। मान लीजिए आप इस सर्कल का रेडियस का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्केल से या टेप से जो मेजरमेंट करेंगे वो जस्ट आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपको स्केल बता रहा है कि 2 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, वो हमारे पास 2.00035 69 एंड सो ऑन ये भी हो सकता है, मींस आपका रेडियस है जो वो इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर इनमें से डायमीटर या सर्कमफ्रेंस आपके
पास इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही रहेगा। मींस ये जो c बाई डी है दिस इज ओनली अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, जैसे यहां पर हम लिख रहे थे 22/7, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई एंड c बाई डी दैट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज ऑल्सो अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, आप बोलेंगे कि वैन वी मेजर द रेडियस और सर्कमफ्रेंस विद द हेल्प ऑफ टेप और स्केल देन वी गेट ओनली द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, दैट्स वाई सी बाय डी इज ओनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, सो दिस तो ये आपका आंसर है। ऐसे आपने इस प्रॉब्लम को रीसॉल्व कर देना है, आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो होनी नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। इरेशनल और रैशनल नंबर्स का डिफरेंस है जो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जस्ट आपको ये कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पाई है जो हमारे पास वो इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर है और इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। तो आपने इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के लेक्चर नंबर 5 पे, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करना है, पहले तो आपको बता दूं आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये आप 8th क्लास में भी डिस्कस करके आए हो, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास वो होता है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, ठीक है। आप पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है a रेज टू पावर m, ठीक है, तो इस a को हम बोलेंगे बेस और इस m को हम बोलेंगे पावर और एक्सपोनेंट, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता हम पावर से एक्सपोनेंट से रिलेटेड है जो लॉ कर रहे हैं, तो पावर्स तो हमारे पास आएंगी नंबर्स की, ठीक है। ए कौन है, ए कोई भी नंबर है हमारे पास, एनी नंबर, ठीक है। मान लीजिए ये फर्स्ट एक्सपोनेंट है, ये फर्स्ट लॉ है, इसको आपने लर्न करके रखना है, ठीक है। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल आया है 1/2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आपके पास आंसर हो जाएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी है 1/2 एंड एम की वैल्यू कितनी है 5 एन की वैल्यू कितनी है 3, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1/2 मीन्स ए रेज टू पावर एम प्लस एन मीन्स 1/2 रेज टू पावर 8, ठीक है। तो इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं अगर करना, तो 1 रेज टू पावर 8 अपॉन 2 रेज टू पावर 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 की पावर 8 1 हो गया अपॉन 2 रेज टू पावर 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड लॉ। मान लीजिए हमारे पास हो a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर n, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे बेस इक्वल थे लेकिन पावर्स हैं वो डिफरेंट थी, लेकिन अब पावर्स इक्वल हैं बेस डिफरेंट है, कर ये मल्टीप्लिकेशन ही रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे पास है मान लीजिए 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ मैच करके देखिए, a की वैल्यू 1/2 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, तो आपका आंसर है जो क्या आना चाहिए 1/2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर
एम, ठीक है। तो आप देखिए इनकी तो कटिंग ही होगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1^3, आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। दिस इज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारे पास है a^m इज डिवाइडेड बाय a^n, ठीक है। अब देखिए हम डिवीजन वाले लॉ कर रहे हैं, अब बेस इक्वल है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं। ये लॉ हम पहले भी करके हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर डिवीजन है, साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा a^m माइनस एन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a^m अपॉन a^n, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करके, तो वो भी आपका आंसर है जो कितना आएगा a^m माइनस एन। मान लीजिए अब हमारे पास नंबर है कोई भी, -6^5 इज डिवाइडेड बाय -6^4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप इसके साथ मैच करके देखिए, a की वैल्यू -6 हो गई, ठीक है, एंड m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितनी है 4, और इनकी डिवाइड हो रही है, ठीक है, डिवीजन हो रही है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा a मींस -6^m माइनस एन मींस 5 - 4, ठीक है। -6^1 मींस -6 है जो आपका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज अ थर्ड लॉ। नेक्स्ट फोर नंबर लॉ, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिवीजन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा a^m इज डिवाइडेड बाय b^m, ठीक है। देन आपका आंसर होगा a इज डिवाइडेड बाय b^m, ठीक है। आप देखिए बेस दोनों के डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, a को b पे डिवाइड कर लेना है, जितना भी आंसर है उसकी पावर m कर देनी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b रेस टू पावर m मीन्स a अपॉन b रेस टू पावर m, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज -12^6 इज डिवाइडेड बाय -4^6, ठीक है। आप देखिए इसके साथ मैच करके देखिए, m की वैल्यू तो हमारे पास हो गई 6, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास है -12, b की वैल्यू है -4, तो हम क्या करेंगे, हम a को b पे डिवाइड करेंगे, मीन्स -12 / b दैट इज -4, और ऊपर हम पावर लगा देंगे कितनी, m मीन्स 6, ठीक है। तो आप देखिए -12 को अगर आप 4 से -4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3^6, ठीक है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ नंबर 4, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं। लॉ नंबर 5, लॉ नंबर 5 इज a^m / n, देन आंसर इज a^m मल्टीप्लाई एन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आपने याद रखना है कि हमारे पास दो पावर्स यहाँ पर आ रही हैं, एक तो m है, एक होल पावर यहाँ पर n भी हो चुकी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन आपने कर देनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इज 2/3^4^5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके साथ मैच करके देखिए, a की वैल्यू हमारे पास है 2/3 और m की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा a^m / n मीन्स 4 × 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2/3^20। तो चलिए सिक्स नंबर लॉ, लास्ट लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, a^0 = 1। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, किसी भी अगर नंबर की पावर है जो एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 3^0 + 5^0 + 6^0 कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी की पावर देखिए, आप इनकी पावर 0 है, ठीक है, 3 की पावर 0 अभी बोला है, 1 की पावर 0, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस ये भी हमारे पास 1, तो कितना होगा, ये 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 लॉ हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.6 करनी है तो आपको ये पहले लॉज हैं जो वो लर्न होने चाहिए, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है वो 1.6 होएगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से आप पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है √25, ठीक है। तो आप इसका आंसर पटक से दे देते हैं, आपका आंसर आ जाता है 5, ठीक है। √25 = 5 बिकॉज 5² = 25,
फाइव, ठीक है, ये हम एट्थ क्लास में बहुत डिस्कस करके हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको या ऐसे लिख दे देंगे 25 raised to power 1/2, तो आप पजल हो जाते हैं कि पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई, कैसे निकालें, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि यही स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, ठीक है। अगर कहीं पे स्क्वायर रूट 36 लिखा हुआ है या फिर 36 की पावर 1/2 लिखा हुआ, एक ही बात है, ये आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा पजल आपको करने की कोशिश ये करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही आपको बोल सकते हैं क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के भी हमारे पास दो साइन होते हैं। कई बार आपको बोलेंगे कि आप क्यूब रूट निकालिए 3/4 का, यहाँ पर 3 डाल देंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज क्यूब रूट, साइन ऑफ क्यूब रूट, ठीक है। ऑल्सो ये ऐसे ही बोल सकते हैं 3/4 raised to power 1/3, इसका मतलब भी यही है कि इसका आपने क्यूब रूट, हमारे पास यही क्वेश्चन है, ठीक है। हमने निकालना है क्यूब रूट ऑफ 3/4, ठीक है। 3/4 की पावर है 1/3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए, 3/4 हमारे पास ये 7 पे जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 7 4 28 9 3 9 7 63, 7 7 7 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 7 × 7 × 7, ठीक है, मीन 7 raised to power 1, 7 raised to power 1, 7 raised to power 1, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आप लगाइए a raised to power m × a raised to power n, ठीक है। तो ये 7 की पावर हो जाएगी 1+1 2 7 raised to power 1, फिर लॉ अप्लाई करिए, ठीक है, 7 raised to power 2 × 7 raised to power 1, ठीक है। फिर फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, हमारे पास आंसर कितना होगा, 7 raised to power 3, ठीक है। तो आप 3/4 को कितना लिख सकते हैं, 7 raised to power 3, उसकी पावर कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। तो आप लॉ चेक करिए, हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हम लॉ अप्लाई करेंगे 5 नंबर, ठीक है। हमारे पास क्योंकि पावर्स के ऊपर एक और होल पावर आ चुकी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 raised to power 3 × 1/3 मीन्स 7 raised to power 1 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 3/4 इज 7, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 625 / 256 raised to power 1/4, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसको इस लॉ से आप कंपेयर करके देखिए, इस लॉ से, ठीक है। ये देखिए a/b m, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a/m / b/m, मीन्स ये जो पावर है ये दोनों के साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा 625 raised to power 1/4 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और 256 raised to power 1/4 यहाँ पर लगा दी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए, 5 1 2 5 5 2 5 5 5 5 1, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई है, 5 × 5 × 5 × 5 मीन्स 5 raised to power 4, ठीक है। तो आप लिखिए 625 को 5 raised to power 4, और उसके ऊपर आप पावर लगा दीजिए, कौन सी, ये वाली 1/4 अपॉन 256। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 256 टू पे 1 2 8 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8 4 2 2 1, ठीक है। कितने आगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 2 raised to power 8, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 256 को 2 raised to power 8 लिख लेना है, और पावर ऊपर कितनी आ गई, 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप इस पे लॉ अप्लाई करेंगे, हम 5 नंबर लॉ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 5 नंबर लॉ के अकॉर्डिंग m × n, पावर्स की आप मल्टीप्लिकेशन की, इनटू 4 raised to power 4 × 1/4 एंड 2 raised to power 8 × 1/4, ये इसके साथ कट हो गया, ये इसके साथ 4 2 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5 raised to power 1 / 2 raised to power 2, मीन्स आपका जो आंसर है 5/4 आंसर आ गया। देखिए कितना इजी, डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 27/125 raised to power 2/3, ठीक है। तो पहले तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ही देखिए, a/b m, इसको आप लिख सकते हैं a/m / b/m, ठीक है, मींस ये पावर है जो आप दोनों के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखिए 27 रेज टू पावर 2/3 अपॉन
1 to 5 raised to power 2 by 3, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 27 3 पे गए 9, 3 पे गए 3, 3 पे गए 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 raised to power 3, ठीक है। तो इसको आप लिखिए 3 raised to power 3, तो ये पावर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है 2 by 3, ठीक है। अपॉन 1 to 5 की भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 5 पे गए 25, 5 पे गए 5, 5 पे गए 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 raised to power 3 raised to power 2 by 3। तो अब लॉ अप्लाई करिए, कौन सा, 5 नंबर लॉ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 raised to power, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, 3 by 2 by 3 अपॉन 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई 2 by 3, ठीक है। तो 3 के साथ 3 कट हो गया और ये भी 3 के साथ 3 कट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 raised to power 2 अपॉन 5 raised to power 2, मीन्स हमारा आंसर है कितना, 9 upon 25। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, -1/2 raised to power 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय -1/2 raised to power 3/2। सबसे पहले लॉ यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ के साथ ये मैच हो रहा है, देखिए ए की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, ठीक है, और एम की वैल्यू कितनी है 1/2, एन की वैल्यू कितनी है 3/2। तो आप क्या करिए, आप पावर्स की प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2 raised to power m, दैट इज 1/2 प्लस एन 3/2, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा -1/2, इनकी आप प्लस करिए 2, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 divided by 2 1 हो गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास हो जाएगा -1/2 3+1 4/2, इसकी कटिंग हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -1/2 raised to power 2, मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 multiplied -1/2, दिस इज +1/4। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 ऑन द टॉपिक नंबर सिस्टम, एंड आज हमारी 1.6 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी अगर आपकी 1.6 एक्सरसाइज तक कोई भी डाउट, तो आप मेरे को जस्ट क्वेश्चन नंबर है जो कमेंट बॉक्स में बता सकते। अगर आपका किसी और बुक में से कोई डाउट है अनदर बुक में, तो आप क्या है हमें इंस्टाग्राम चैनल पे आप उस क्वेश्चन की पिक का जो वो सेंड कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।